दोस्तों खबर बहुत बड़ी है। अगर एनडीए सरकार बनाती है नीतीश कुमार को लेकर और चंद्रबाबू नायडू को लेकर, तो कौन कौन से मंत्रालय बीजेपी के हाथ से जा सकते हैं और कौन कौन से मंत्रालय और क्या क्या चाहिए नीतीश कुमार और टीडीपी को, ये जरा आप सुनिए। आपके होश उड़ने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर आप इस खबर को देखिए कि बीजेपी के हाथ से क्या क्या निकल सकता है और ये टीडीपी, जेडीयू, एसएस और एलजेपी के हाथों में जा सकता है, तब ये सरकार बन सकती है। ये देखिए आप इस ट्वीट में लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि बीजेपी के हाथों से क्या क्या जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर टीडीपी और जेडीयू को चाहिए, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टीडीपी को चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री टीडीपी को चाहिए, रेलवे मिनिस्ट्री जेडीयू को चाहिए, जल शक्ति मंत्रालय एलजेपी और जेडीयू को चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन एसएस को चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एलजेपी को चाहिए। तो ये सारे बड़े बड़े मंत्रालय चाहिए किसको? टीडीपी को चाहिए और जेडीयू को चाहिए। अगर ये सब कुछ चला जाता है तो बीजेपी के पास बचता क्या है? और मुझे क्या मिलेगा तंबोरा? ये आज तक की खबर मैंने आपको दिखाई है। आज तक के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि जेडीयू, टीडीपी और एसएस और एलजेपी ये सारे मंत्रालय के मांग कर रहे हैं, और इसमें ये सब कुछ अगर सरकार बनती है, एनडीए सरकार बनाती है टीडीपी और जेडीयू के साथ जाकर, तो उनको ये सारे मंत्रालय देना पड़ सकता है, ये मांग की खबर सामने आई है। लेकिन वहीं जो मीटिंग किया गया है एनडीए की तरफ से, आप देखिए इस मीटिंग में सारे मंत्रालय के जो लोग हैं वो शामिल है, बड़े बड़े नेता जो है वो शामिल है, जिसमें आपको नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दिखाई दे रहे, एक नाथ शिंदे दिखाई दे रहे। लेकिन वहीं इंडिया अलायंस ने भी मीटिंग किया है, और ये मीटिंग 6 बजे स्टार्ट हुआ, जिसमें सभी बड़े नेता शामिल हुए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह दिखाई आपको दे रहे हैं, उसके बाद आप देखिए तमिलनाडु के नेता आपको दिखाई दे रहे हैं तमिलनाडु से, और उसके बाद वेस्ट बंगाल से जो नेता है इनका नाम है अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे है, वो भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सारे यहाँ पर जो नेता है जो इंडिया अलायंस के गठबंधन में है वो सारे दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, और भी सब कोई दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनकी जगह संजय रावत आए हैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और उसके बाद ये तस्वीर निकल कर सामने आती है। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, ये सवाल तब खत्म होगा जब सरकार बनाने के लिए शपथ लिया जाएगा, और शपथ कौन लेगा ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ एनडीए ने कह दिया है कि हम 8 तारीख को शपथ लेने वाले हैं, वहीं इंडिया अलायंस ने अब जो ये मीटिंग किया है उसके बाद ये खबर निकल कर सामने आएगी कि इस मीटिंग में क्या नतीजा निकला है और के किस फैसले पे इंडिया अलायंस पहुंची है, कि वो विपक्ष बनकर बैठना चाहेगी या फिर सरकार बनाने की दावा करेगी, या फिर कुछ और खबर निकल कर सामने आती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इंडिया अलायंस के इस मीटिंग के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, लगभग 80% साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन आप अपनी राय इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।